विधानसभा में बहुमत परीक्षण तीन तरह से होता है। पहला ध्वनिमत, दूसरा हेडकाउंट यानी विधायकों को गिनकर, तीसरा लॉबी डिवीजन। ध्वनिमत के दौरान विश्वास मत का समर्थन करने वाले विधायक हाँ कहकर समर्थन करते हैं और विरोध में खड़े विधायक ना कहते हैं। दूसरा तरीका हेडकाउंट का है, इस दौरान सदन में विधायक खड़े होकर अपना बहुमत जाहिर करते हैं। तीसरा तरीका लॉबी डिवीजन का है, ये तरीका सबसे पुख्ता माना जाता है। इसमें विधायक एक एक कर लॉबी में आते हैं, यहाँ एक रजिस्टर रखा होता है जिसमें विश्वास मत का समर्थन करने वाले विधायक हाँ के कॉलम में अपना दस्तखत करते हैं तो विरोध करने वाले ना के कॉलम में अपना दस्तखत करते हैं। ज्यादातर इसी तरीके से फ्लोर टेस्ट होता है। बहुमत का परीक्षण कैसे होगा, इसका फैसला कर्नाटक में प्रोटेम स्पीकर करेंगे। कानूनी जानकारों के मुताबिक सदन में नियमित स्पीकर नहीं चुने जाने की स्थिति में प्रोटेम स्पीकर के पास वो सभी शक्तियां होती हैं जो स्पीकर के पास होती हैं। अगर कोई विधायक पार्टी व्हिप का पालन नहीं कर दल बदल कानून के दायरे में आता है तो स्पीकर के लिए जरूरी नहीं होता कि वो किसी तय समय के अंदर फैसला दें, वो चाहे तो इस फैसले को अनिश्चित समय के लिए भी टाल सकते हैं। जाहिर है फिलहाल ये अधिकार प्रोटेम स्पीकर के हाथ में ही होगा।